सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। किसान आंदोलन के बीच वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इटली दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर सवालों से भी कांग्रेस नेता बचते दिखे। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि राहुल गांधी की ये यात्रा निजी है। हमने पहले से ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी कानून वापस लो, किसान बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। एक तरफ किसानों को उकसा देते हैं आप बढ़े चलो, और आप विदेश बढ़ जाते हैं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत अब कल की बजाय 30 दिसंबर को होगी। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कृषि कानूनों के समर्थन में किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। हमारी कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके इस विषय का समाधान निकाला जाए। वहीं 33वें दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 30 कर दी, हमको इतराज नहीं है। 30 में 30 को हम जाएंगे, खुले मन से हम बात करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आंदोलन में विपक्षी दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो हम यहाँ फौजी चलाना नहीं चाहते, फौजी इसमें फ्री है, ऐसी स्थिति हम दिखाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100वीं किसान रेल को किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100वीं किसान रेल से पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों को बड़ा विकल्प मिला है। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान रेल से देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। मुझे बहुत संतोष है कि देश के पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि उड़ान से लाभ होना शुरू हो गया है। ऐसे ही पुख्ता तैयारियों के बाद ऐतिहासिक कृषि सुधारों की तरफ हम बढ़े हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के विकास को देश का विकास बताया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार शहरों में बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रही है। जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आएंगी तो ये ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी के समन ने राजनीतिक रंग ले लिया है। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है।
वो पूरा कर रहा, हमने इनकम टैक्स को दिखाया है। ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खिलाफ पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। पीएमसी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी वर्षा राउत को 2 समन दे चुकी है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। 55 लाख के घोटाले के केस के सिलसिले में ईडी वर्षा से पूछताछ करना चाहती है। संजय राउत के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि शिवसेना जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। ईडी पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस भेजती है, जानकारी चाहती है। संजय राउत साहब, इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? पैसा चोरी का है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जांच के विरोध में शिवसैनिकों ने ईडी के मुंबई दफ्तर में बीजेपी के नाम का बैनर लगा दिया, जिसे हटाने गई पुलिस से भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को दंगों में झोंकने की साजिश कर रही है। ममता का ये बयान तब आया है जब आज सीबीआई ने शारदा घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। सीबीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री राहत कोष से 6 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा की रकम शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी के तारा टीवी को दी गई, जो फंड प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए था, उसे तारा टीवी के कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर दिया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष से हर महीने 27 लाख रुपए मई 2013 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच दिए गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक के दौरान आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भिड़ गए। बीजेपी के पार्षदों ने 13,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड की मांग के पोस्टर दिखाए। जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले के पोस्टर लहराए। इस दौरान आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत और मोहिनी जीनवाल ने चप्पल दिखाई, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। भाजपा के पार्षदों द्वारा सदन की मर्यादा को तार तार किया गया। केवल उनसे ये मांग की थी कि आप किसान भाइयों ने जो शहादत दी है, उस शहादत के प्रति 2 मिनट का मौन इस सदन में किया जाना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.